कुछ दिन पहले मैं अपने ऑफिस की एक फाइल पिक करने के लिए घर आई थी। उस वक्त माही रमशा को लेकर घर आया हुआ था, और आप जानते हैं घर पर ना आयमा थी और ना ही आंटी। आप ये मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या। माहिर के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उसके साथ घूमो। आपको फराज भाई ने बताया ना ये सब? फराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी वजह से फराज माहिर से लड़ रहे थे और मैंने सुन लिया। रमशा, हमारे साथ खाना खाओ। थैंक यू। हेलो रमशा। खाना कैसा है तौकीर भाई? खाना बहुत लजीज है भाभी। द फूड इज डिलिशियस। थैंक यू। के साथ कोई भी रिश्ता हो, आपकी तो वो बेटी है। क्या आप ये चाहती हैं कि आयमा पूरी जिंदगी एक ऐसे ताल्लुक में गुजार दे जहां ना उसे मोहब्बत मिले और ना ही इज्जत, बल्कि मजाक मजाक में उसकी तजलील होती रहे और वो चुपचाप सहती रहे? फराज, आप यासिर से जो भी बात करेंगे बड़े आराम और तामल से कीजिएगा। जाहिर सी बात, मैं उसे कोई झगड़ा करने के लिए तो नहीं बुला रहा। मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई भी बात किसी भी तरह झगड़े की तरफ ना जाए। ये बात ना आपको आयमा ने बताई है ना आंटी ने बताई है। अगर कोई भी इशू होगा तो सबको लगेगा कि मैंने। आप फिक्र मत कर, उससे मेरा कोई भी सख्त बात करने का इरादा नहीं है, पर ना ही मैं इतना बेवकूफ हूँ। जो भी बात होगी तहमुल से हो। ठीक है। मानूल, परसों आपका एग्जाम है? जी। याद तो है लेकिन आप पढ़ नहीं रही हैं। पढ़ाई बस जितनी कर ली थी कर ली, और वैसे भी मुझे लगता है कि एग्जाम्स के करीब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। ठीक है, मगर इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। इंशाल्लाह। जी तो कैसा जा रहा है आपका टूर? कैसा लगा आपको हमारा शहर तो फिर भाई? बस ऐसे ही है। खैर, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ पे तो आपने झिझकना नहीं है, बिल्कुल आपने मुझे फ़ौरन फ़ोन करना है।
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, आप उसे इत्तला कर दीजिएगा मुझे। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। सुनिए, ये देखिए, तौकीर साहब ने ये मुझे गिफ्ट दिया था। रात तो मैंने खोल कर देखा नहीं, अभी देखा तो काफी महंगा लग रहा है ना। बहुत बड़ा दिल है तौकीर भाई का, हम उससे क्लोज भी बहुत है, भरोसा भी बहुत करते हैं, करोड़ों रुपए ऐसे ही दे देते हैं आग बंद करके पूछते तक ना। और मजाल है कि आज तक उनका एक रुपया भी इधर से उधर हुआ। मुझे यकीन है आप कभी भी अमानत में खयानत कर ही नहीं सकते। मुझे अच्छा लगा ये गिफ्ट। हाँ अच्छा है, खूबसूरत है। अरे बापी, अनाफिस। अनाफिस अनाफिस अकलान भाई। अनाफिस। माइक में आया। रमशा बात सुनो। तुमने अरीबा से कहा था कि तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए। पॉकेट मनी? जी। मुझसे कह देती, मैं भी अपने कामों में उलझा हुआ था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें पैसे दे। ये लो, चेक कर लो, अगर और चाहिए तो मैं और दे देता हूँ। नहीं नहीं काफी है, थैंक यू। चलो ठीक है, अगर पैसे चाहिए हो तो मुझे बता दें। अब जाओ, तुम्हारा वैन वाला पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा है, बिला वजह पूरे मोहल्ले को सर पे उठाएगा कम वक्त से। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें रमशा की शादी कर देनी चाहिए। खैरियत? हाँ खैरियत ही है। रमशा हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक उसकी निगरानी। देखिए ना, उसकी वजह से हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हैं। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं रही, हर वक्त रमशा की मुझे टेंशन रहती है, और मेरा इलाज भी रुक गया है। जब से अम्मी गई हैं इतने मसले मसाइल हो गए हैं। अगर इन्हीं टेंशनों में रहूँगी तो मेरा इलाज कैसे होगा? क्या वाकई यही बात है अरीबा, या फिर कोई ऐसी बात है कि रमशा से कोई ऐसी हरकत हो गई है जो तुम उससे छुपा रही हो? क्योंकि कल मानू भी आई थी और रमशा से झगड़ा कर रही थी, और रमशा तो ऑलमोस्ट उसके बाल मचने को आ गई थी। सब ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे नहीं पता कि दोनों आपस में क्यों झगड़ रही थी। मेरी मानू से बात भी नहीं होती। उसने आपके साथ बहुत बदतमीजी किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो आपके साथ बदतमीजी करना। क्या हो गया तुम्हें? बहन है वो तुम्हारी, और उस दिन तुम ही तो मेरी मन्नतें कर रही थी कि मैं उसको माफ कर दूं, फिर अब क्या हुआ? हाँ मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे माफ कर दें और आप दोनों के दरमियान जो भी कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। देखिए ना, रमशा सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी तो नहीं है, और महानूर कल को उसे बाहर ही बाहर मिलती रहेगी, और खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा ना कि मैंने रमशा की सही से निगरानी नहीं। अरे वाह, देखो तुम अपनी बहनों को मुझसे बेहतर जानती, तुम रमशा पे नजर रखो ना रखो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रमशा पे महानूर की पूरी पूरी छाप, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मानो उससे कहीं कम नहीं, बस अब वक्त आने पे ये भेद भी खुल जाएगा।
तुम इससे भी ज्यादा परेशान हो गए। तो और क्या करूं, एक शरीफ आदमी बदनामी से शर्मिंदगी से ही तो डरता। खैर, वक्त आने पे सोचेंगे इस बारे में, अभी सर कपाने की जरूरत नहीं। और तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं ये रखकर आती हूँ, आपकी चाय भी ठंडी हो गई होगी, मैं फ्रेश बनाती हूँ। ठीक, क्योंकि मानूर कब तक पर्दे डालेंगे? वैसे फराज है बड़ा मास्टरमाइंड, एक तरफ मानूर से शादी कर ली, दूसरी तरफ अपने भाई को लगा दिया रमशा के पीछे, मतलब एक घर में दोनों बहनें और उनकी प्रॉपर्टी। ये तो खैर मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत में, लेकिन मानूर तो खुद ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो दोनों लड़ रही थी। इन दोनों का झगड़ा अभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सब कैसे? सब ठीक। गुड। और आपके वालिद साहब कब आ रहे पाकिस्तान वापस? नेक्स्ट मंथ का प्लान है उनका। आई सी। आपने बुलाया था मुझे स्पेशली? अम्मी ने बताया आपको मुझसे मिलना है। हाँ, वो तुम नाराज हो हमसे? नहीं। अम्मी ने तुम्हें दो चार बार कॉल्स भी की थी, तुमने कॉल पिक नहीं की। मैंने भी कॉल्स की थी, तुमने कॉल नहीं रिसीव की। फिर अम्मी ने तुम्हारी वालदा को मैसेज की। इस सब से तो ये अंदाजा होता है कि तुम नाराज हो हमसे किसी बात। हैं, आप लोगों से नाराज नहीं हूँ फराज भाई। तो फिर आयमा से नाराज हो? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम और आयमा बात कम करते हो और लड़ते ज्यादा हो। मेरी झगड़े करने वाली नेचर नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी बात ना समझे मैं इरिटेट हो जाता हूँ, और इस मामले में आयमा बहुत स्टूपिड है, एक्चुअली थोड़ी डम है, उसे समझने में टाइम लगता है। आयमा तुम्हारी मंगेतर है, कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी भी होने वाली है, पर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। तुम्हें और आयमा को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती वो रिश्ता खोखला होता है, बिल्कुल कमजोर होता है। आपने तो अच्छा खासा लेक्चर दे दिया फराज भाई। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा कि मैंने आपकी बहन को स्टूपिड कह दिया? मैं तो बस ऐसी मजाक में बात कर रहा हूं। हाँ वही तो, मैं भी यही सोच रही थी कि मजाक मजाक में बात हुई है। खैर छोड़े, हम इस बात में क्या रखा है। जी आंट। सर खाने में क्या पसंद है बताओ मुझे, मैं आज तुम्हारी मर्जी का खाना बनवाऊंगी। कुछ भी जो आयमा खास बनाए। जी। अरे
साकिब भाई कैसे हैं आप? इतनी सुबह सुबह? बस ऐसी, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक ठाक, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे कहते मैं आ जाता। काम मेरा था तो आना मुझे ही होगा ना। प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आएगा। आपको मुझसे काम है, हुक्म कीजिए। देखो सकलेन, तुम मेरे भाइयों की तरह हो। आपकी जरा नवाजी है। बहुत शुक्रिया। तुमने उस दिन मुझे फैक्ट्री का याद दिला दिया, वरना मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भूल गया था। लेकिन तुमने एहसास दिलाया मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। मगर मैं बहुत बिजी होता हूँ। आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। बल्कि मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें नई फैक्ट्री में अपना पार्टनर बना लूं। ताकिर भाई, मैं और आपका पार्टनर? क्यों नहीं भाई, साथ मिलके काम करेंगे। बोलो, मंजूर है? जी बिल्कुल, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत एजाज की बात है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करूंगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं अभी तक कि आप क्या लेंगे, कॉफी या चाय? बताइए। कॉफी वुड बी नाइस। श्योर जी। मेरे कमरे में जल्दी से दो अच्छी सी कॉफी बना के भेजिए, जल्दी। तौकीर भाई, ये बताइएगा कि फैक्ट्री का बजट क्या होगा? बजट की तुम क्यों फिक्र करते हो, इन्वेस्टमेंट सारी मेरी होगी। ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे तौकीर भाई, आप हुक्म करें। तुम्हारी साली है ना, क्या नाम था उसका? रमशा। बहुत क्यूट है। तौकीर भाई, रमशा मेरी बीवी की छोटी बहन है, प्लीज उसके लिए कुछ उल्टा सीधा मत सोचिए। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रहा, शादी करना चाहता हूं उससे। शादी और रमशा से? मगर तौकीर भाई, वो उम्र में बहुत छोटी है और मुझे नहीं लगता कि उसकी बहनें इस रिश्ते के लिए राजी होंगी, वरना मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। हाँ तो कायल करो उन्हें, मनाओ उन्हें। भाई मैं तुम्हें अपनी नई फैक्ट्री में अपना पार्टनर बना रहा हूँ, इतना तो काम तुम्हें मेरा करना होगा ना। डील बुरी नहीं है, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। डन डन 100%। Just give me some days. Okay. हेलो फारिया। हाँ बोलो रनीस। यार फारिया कहाँ हो तुम? ना मेरा फोन उठा रही हो ना मुझसे मिल रही हो। मैं घर पे भी आया था तो मुझे खाला ने कहा। मैंने तुम्हें बताया तो था कि सकलेन को सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चला उसे? बस गलती मेरी ही है, उसने मुझे तुमसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। इस पर क्या बताऊँ, मेरी तो शामत ही आ गई। उसने तुम्हें मारा तो नहीं? बहुत मारा है, लेकिन मैंने भी उसको कह दिया कि बस अब वो मुझे तलाक दे दे। लेकिन वो खबीज तो अड़ गए इस बात पर कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। हम क्या करेंगे फारिया, हम दोनों ऐसा इंतजार करो रमीज। मैं तो खुद इसी कोशिश में हूँ कि अदालत जाके इसे खुला ले लूंगी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसने जो तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दिए थे वो तो उस खबीज ने वापस ले लिए ना।
और वो कह रहा था तुम्हें भी फंसाएगा, अपने पैसे चोरी करने के इल्जाम में तुम पे केस करेगा और पुलिस से पकड़वा देगा। What? फारिया यार वो मुझ पे झूठा केस कैसे कर सकता है? सकलैन कुछ भी कर सकता है रमीज, तुम उसे नहीं जानते हो, वो बहुत तेज और बहुत शातिर इंसान है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ये शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहाँ से। मगर कहा रमीज, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें नहीं पता है वो बहुत तेज और शातिर इंसान है, वो तुम्हें फंसा देगा और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो हम दोनों रابطے में रहेंगे और जैसे ही सकलैन से मेरी जान छूटेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज शहर छोड़ के चले जाओ फिलहाल, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना। ओके ओके बाय। क्या हुआ आस्क्यू रही हूँ? Oh my God, ये आज भी बुद्धू का बुद्धू ही है, जो कहते हो पागलों की तरह माल है। मेरे तो पेट में दर्द हो गया सच में। अच्छा ये बताओ उसे भगा तो दिया ना? भाग गए। अब क्या करूं? अब मैंने तो आगे का भी सोच लिया। ये तो वकील तो बड़ा दर्दनाक इंसान है, मुझे तो कल रात ही उसके रवैये से अंदाजा हो गया था। ऑफर बुरी नहीं है उसकी, उसकी मदद से मैं रमशा की दोनों प्रॉपर्टीज पे अपने नाम करवा सकता हूँ। तो क्यों क्योंकि इंटरेस्ट होगा बराबर, मगर होगा कैसे? रमशा तो मानी ही नहीं, हरीबा और मानूर का मनाना भी आसान काम नहीं होगा। तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ये रिपेयर हो गया? तुमसे कहा था कि आज तुम्हारा फोन मिल जाएगा, तो मिल गया। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब चलें? चलें। एक मिनट, मैं बाइक स्टार्ट कर लूँ। रमी, आपके ख्याल में यासिर आयमा के लिए एक परफेक्ट इंसान है? हाँ तो क्या कमी है यासिर में? अरे कमा हुए हैं, अच्छे खाते पीते घर के, तमीज़ और तहज़ीब भी होनी चाहिए। वो मेरे सामने मेरी बहन को बेइज्जत कर रहा था। ओहो, अरे भाई तुम सबने एक ही बात को पकड़ लिया है, तुमने समझा दिया ना यासिर को। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी बात का मतलब भी समझ गया होगा और मकसद भी, इसलिए तो देखा नहीं तुमने कैसे वो माजरत के अंदाज में कह रहा था कि मजाक में बात हुई। फराज, मुझे लगता है आंटी ठीक कह रही हैं, यासिर भाई को ये बात समझ आ गई है कि उनका आयमा से इस तरह से बात करना, इस तरीके से बात करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
और अब उनका बिहेव देखा था आपने, कितनी डिसेंट तरीके से बात करे थे वायमा से। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये बात छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस बात को। मानूर बिल्कुल ठीक कह रही है, बस ख़त्म करो अब इस बात को। कि मैं तो सोच रही थी कि डेढ़ दो हफ्ते तक मैं उसके घर चली जाती हूँ और उसकी माँ से शादी की बात छेड़ती हूँ। जितनी देर होगी उतनी गलत फहमियाँ बढ़ेंगी। बाज़ औकात ये देर ही इंसान के लिए अल्लाह की रहमत साबित होती है। कम वक्त में जो शख्सियत का पर्दा चाक नहीं हो पाता वो देर करने से हो जाता है। बहरहाल मैं मुतमईन नहीं हूं, शुरू से ही मैं कंफ्यूज था लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया। आर यू ओके? ऑल गुड, सब ठीक है ना? कल मानूरा भी हमारे घर आई थी, मुझे वो इतनी बातें सुना कर गई है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और तुम तो मुझे कह रहे थे कि फराज भाई ने तुमसे कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं पूछी। महानूर आप ही मुझे कह रही थी कि उनकी लड़ाई मेरी वजह से हुई है, वो भी फराज भाई से। अरे यार वो तो ऐसे ही, तुम तो जानती है ना फराज भाई को, वो कितनी शरीफ और अहले इंसान है। लेकिन तुम्हारी बहन ना बहुत क्लेवर, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी बहन है लेकिन जो सच है वो सच है। तुमने देखा नहीं कि उन्होंने किस तरह रिंग छुपा के उन्होंने मुझे जलील किया? और फराज भाई मुझे झूठा समझ रहे थे, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी तलाशी ली उन्होंने। हम क्या करें, वो तो यही सब कुछ तो कर रही हैं। पहले तो फराज भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब भाभी ने मेरे खिलाफ झूठ बोला तो फराज भाई भड़क उठे मेरे खिलाफ। मम्मी को भी पता चल गया यार, उनके ये सब कुछ करने में मेरा एक फायदा तो हो गया, मुझे किसी को तुम्हारे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, भाभी ने बता ली और मेरा मसला खुद ब खुद सॉल्व हो गया। आप सब जानते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ वाकई में। और मैंने भी आप इसे साफ साफ कह दिया कि आपको मुझे डिक्टेट करने की ना कोई जरूरत नहीं, मतलब मेरी जिंदगी है ना, तो मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी ना। गुड, तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपनी मर्जी से जियो, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन ना मुझे सकलैन भाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं तो शुक्र है कि कल आप ही ने सकलैन भाई को कोई बात नहीं बताई, वरना मैं तो पहले आप ही का डर, अब सकलैन भाई का खौफ। ये विलन हम दोनों के बीच में कब से आ गया? आप हम एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। भाग जाते हैं हम कहाँ कैसे? अरे यार 10,000 जगह है, हम आप भाग के निकाह कर लेंगे, फिर घर वापस आ जाएंगे, सब खामोश रहेंगे। दैट्स इट यार, सिंपल है। रमशा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग भाग रहे हैं और बात खत्म। ओके अच्छा तो ये प्लानिंग चल रही है। यूनिवर्सिटी के बाहर है ये सब कुछ चल रहा। देखिए आप मेरी बात चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना मेरे आगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं यहां सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। और तुम्हें तो मैं फुर्सत से देखूंगा, फुर्सत से नलसी।
बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो। अरे बाप, कहाँ हो तुम? क्या? संभालो अपनी बहन को। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे देखती रह जाओ या हमारे मुंह पे काले पोत के उस माहिर के साथ भाग जाए। माहिर के साथ? नहीं, फराज का भाई माहिर। वो मासूफ कभी इसका पर्स ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो कभी इसको। और वो मानूल पता डालती है अपने देवर पे कि उसने तो यहाँ पे जाए। आपकी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो क्या बात है, बताओ अपनी बहन को, बताओ क्या प्लानिंग चल रही थी। ये तो आज भाग की शादी करने का प्लान कर रहे थे, मैंने खुद अपने घरों से सुना है। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं और माहिर तो सिर्फ बस। शर्म करो, टटाई से तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं तो उसी रात समझ गई थी कि तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, पर मुझे अंदाजा हो गया था कि रात को फोन पे बात करती हो। तुम्हें ये सब बातें मालूम थी, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तुम सब बहने एक जैसी हो क्या? सकलैन में वहाँ मानूर को भी सब कुछ मालूम है, उसे भी हमसे कुछ नहीं कहा, तुमने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मानूर को ये बात पता है? हाँ उसको ये सब बातें मालूम है, मैंने उसकी और माहिर की बातों को खुद सुना है, और माहिर ये सब कुछ फराज की शय पे कर रहा है। फोन भी तो मानूर को कहो से यहाँ आने के लिए, और उस फराज को भी बोले यहाँ आए मुझे दोनों से बात करनी है। पहले क्या कम जिद लेती है मानूर ने, जो रही सही कसर अभी रमशा पूरी करेगी। अरे फैन करो उसको, खड़ी क्या देख रही हो? हटो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरू, दफा हो जाओ। अरे फैन कर रहे भाई, वो अगर फराज अभी सेटिस्फाई नहीं है तो हम थोड़ा, एक मिनट। हेलो जी, अरे बापी तुम अभी फौरन घर पहुंचो। अभी सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, तुम अभी इसी वक्त घर पहुंचो और फराज को अपने साथ लेकर आना। मैंने और सकलैन ने उससे बात करनी है। आपे लेकिन हुआ क्या है ये तो? अरिबा पे की कॉल थी, उन्होंने घर बुलाया है और फराज आपका भी कहा है कि आपसे भी मिलना है। क्यों? तुम्हारी तो समझ आती है, फराज को क्यों बुलाया? आंटी ये तो जाकर पता चलेगा ना, अगर फराज नहीं भी जाते हैं तो कोई बात ही, मैं खुद चली जाती। नहीं मरूं, मैं भी आपके साथ आते। चल। फराज को क्यों साथ बुलाया? तुम्हें सब पता था ना, तुम जानती थी ना कि रमशा माहिर के साथ ही। मैं जानती थी इस बारे में। और फराज तुम भी? भाभी हमें अंदाजा। अब तुम क्या बारी बारी सबसे सवाल कर रही हो? मैंने तुमसे जब कहा था तुम्हें यकीन नहीं आया। सब कुछ इन्हीं की शय पे हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब से मुझे इस बारे में पता चला था मैं मुसलसल रमशा को समझा रही थी कि माहिर से बातचीत सिर्फ एक क्लास फेलो के हद तक रखे, और फराज भी माहिर को मना कर चुके थे, रोका इन्होंने उसे। और तुम्हारे मना करने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे, यूनिवर्सिटी का बहाना कर कर एक दूसरे के साथ शहर में दंदनाते हुए घूम रहे, और वो तुम्हारी बहन रमशा उस लड़के के साथ घूमते हुए हमारी नाक कटवा रही। मैं करती हूँ ना रमशा से बात, मैं समझाती हूँ उसे। क्या बात करोगे तुम? अब कुछ बचा है उससे बात करने को? तुम सबने ठेका उठा लिया है मेरे शौहर के सामने मुझे जलील करने का। हाँ पहले तुम थी, अब वो रमशा। तुम तो शादी करके अपने घर चली गई, मैं और सकलैन इस घर में रहते हैं। रमशा की जिम्मेदारी हम पर है, अगर उसने घर से भागकर तुम्हारे देवर के साथ शादी कर ली तो मैं और सकलैन किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। अरे बापी कैसी बातें कर रही हूं? आप जानती है रमशा ऐसी नहीं है,
तुम्हारा देवर तो ऐसे ही है। तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो फराज? क्या तुम अपने भाई के बारे में नहीं जानते कि वो किस तबीयत का मालिक? तुम्हें अंदाजा नहीं है जिस वक्त मैंने दोनों को पकड़ा वो दोनों क्या बात कर रहे थे। तुम्हारा भाई रमशा को ये पटकी पढ़ा रहा था कि वो दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे, और अगर उस वक्त मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो ये एक दो दिनों में कोई गुलखिलाबा होता। जानते हो ना अपने भाई के बारे में? समझा समझा कर थक गई, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इसी बात का डर था मुझे कि ये सब होगा, लेकिन तुम आज से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। आप ही तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब मैं और सकलेन इसका रिश्ता देखेंगे और इसकी शादी कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जैसे आपको ठीक लगता है आप लोग वही करें। मुझे भी लगता है कि अब रमशा को यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। हिन्नी की बात सुने आप तो नहीं कर सकती हैं। आप भी प्लीज मेरी बात सुने। आप भी अम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोला ना मेरे पास नहीं है पैसे। अम्मी थोड़े से पैसे, कौन से ज्यादा पैसे मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्या हो गया आपको? आहिर जी भाई,